प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मोहाली के मुल्लांपुर के कैंसर हस्पताल के खोज केंद्र का उद्घाटन कर दिता है। इस हस्पताल के नाल तीन सूबों के मरीजों नूं लाभ होएगा। पंजाब समेत हरियाणा और हिमाचल नूं हर साल इत्थे 1.5 लाख कैंसर के मरीजों का इलाज हो सकेगा। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पंजाब च कैंसर के इलाज लई केंद्र तो सहयोग मंगया। नाल ही स्पैशल पैकेज पिछले समय दे विच भी मंगया सी, पर प्रधानमंत्री पंजाब दे मुद्दे ते खामोश ही रहे। आए पंजाब च सन उद्घाटन पंजाब च कीता स्टेज। पंजाब सरकार दी प्रबंध पंजाब सरकार दे नाल मुख्यमंत्री वी पंजाब दे, पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल दी चर्चा करदे रहे। पंजाब सरकार प्रौणाचारी करती रह गई, पर प्रधानमंत्री ने इस हस्पताल के उद्घाटन तो बिना होर कुछ भी डक्का भी पंजाब नूं नहीं दिता। ते कई पत्रकार मानते ने कि कल दे समागम ते खिचो तान दा परछावां जरूर दिसिया। जो दिल्ली दे विच बीजेपी ते आम आदमी पार्टी दे विच टकराव वाली स्थिति बनी हुई है, उस दा जिहड़ा परछावां है वह कल दे समारोहां ते भी देखण नूं मिलिया। उंज प्रधानमंत्री हमेशा सब दा साथ सब दा विकास की गल करते रहते हैं, पर कल पंजाब सरकार की किसी भी गल ते चर्चा करनी तो दूर की गल। सूबा सरकार नाल आपसी तालमेल बारे भी कोई गल प्रधानमंत्री ने नहीं की। देखण नूं तां मुख्यमंत्री भगवंत मान नाल नाल तुरे फिरदे रहे। अपनी तकरीर दे विच मान ने मोदी दियां तरीफां दे पुल भी बन दिते, मोदी नूं वड्डे दिल वाला भी कह दिता, पर मोदी जी वड्डा दिल दिखा के नहीं गए। ते कल दे उद्घाटनी समारोह दे विच सद्दा ना मिलण ते पंजाब कांग्रेस दे लीडर भी निराश ने। अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग कांग्रेस दे प्रधान, उन्हां ने तां दोष लाया कि साबका प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह नूं अणगौलियां कीता गया है, जदकि इस दा नीह पत्थर उन्हां ने रख्या सी 2013 दे विच जदों प्रधानमंत्री हुंदे सी। विरोधी धिर के लीडर ते साबका संसद मैंबर प्रताप सिंह बाजवा ने भी कहा कि सद्दा पत्र सानू किसी नूं नहीं भेजा गया, यह आम आदमी पार्टी की सौड़ी सोच है। उन्हां मुताबिक भी समागमां दे विच डॉक्टर मनमोहन सिंह नूं सद्या जाना चाहिंदा सी। एक होर भी खबर मिली है गढ़शंकर तो, जिथे सिखलाई दे बहाने मनरेगा वर्करां नूं प्रधानमंत्री दे उद्घाटनी समारोह दे विच भेजा गया। मनरेगा स्कीम अधीन वख-वख पिंडां विच काम करदे किरतियां नूं कहा गया कि मोहाली दे विच मनरेगा स्कीम दी जानकारी अते काम दी सिखलाई दित्ती जाऊगी। इस करके 8 बजे जिहड़ियां बसां आउणगियां पिंडां दे विच, उत्थे उहदे विच सारिआं ने चढ़ जाणा, सरकारी बसां ने, किस दा कोई किराया नहीं लगना। तो यह सुन के पिंडां दे मेट ते मनरेगा वर्कर आपो अपने काम छड़ के बसां विच सवार हो गए, पर मोहाली पहुंचण ते उन्हां नूं प्रधानमंत्री दे होमी भाबा हस्पताल दी इमारत दे उद्घाटनी समारोह दे विच हाजिर होण दे हुकम चाड़ दित्ते गए। ते गढ़शंकर जिले के कई पिंडां दे सरपंच ते पंच इसे तरह सरकारी हुक्मां नूं वजाउंदे होए इन्हां समारोहां दे विच पहुंचे सी। गढ़शंकर तो सरकारी रोडवेज दीआं 5 बसां सवेरे 8 बजे पिंड बीणेवाल सतनौर बोड़ा कितना ते एमा मुगलां दे विच 8 बजे तैनात कर दित्तियां गईआं सी, पर इन्हां नूं जानकारी सिखलाई दी दित्ती गई सी। हालांकि BDPO मनजिंदर कौर ने कहा कि उच्च अधिकारियों के निर्देशों मुताबिक ही मनरेगा वर्करां नूं सरपंचां दी हाजरी विच भेजा गया ते दावा कीता कि इन्हां सारिआं नूं मोहाली दे विच उद्घाटनी समारोह बारे पहलां दस्सिया गया सी, जदकि वर्करां नूं कुछ भी पता नहीं सी। इस हिसाब नाल इन्हां ने पत्रकारां नूं जानकारी दित्ती है। शुभदीप सिंह सिद्धू मूसेवाले दे मापिया ने अज पंजाब दे विच अपने पुत दे इंसाफ लई पहला कैंडल मार्च कढ़ना है ते इस मार्च विच शामिल होण दा मापिया ने सद्दा दित्ता है, पर नाल ही प्रोग्राम थोड़ा जिहा जरूर बदलिया है। मूसेवाले दे पिता बलकौर सिंह ने अपने सोशल मीडिया खाते तो लोगों नूं अपील कीती है। सत श्री अकाल जी सारिआं नूं, सिद्धू मूसेवाले दे चाहुण वाले सारे ही भैण भरावां नूं बेनती कीती जांदी है वी आपां कैंडल मार्च का जिहड़ा प्रोग्राम कल अनाज मंडी चो रखिया सी अंदरली चो, वो ट्रैफिक की प्रॉब्लम आने करके पार्किंग की समस्या करके उन्हूं बदल के बाहरली अनाज मंडी जिथे कि शुभदीप का भोग पिया सीगा उस जगह तो स्टार्ट करांगे। सारे भैन भाई आने वाले नोट कर लो, किसी ने भी अंदर बाजार के नहीं जाना, सारे ही बाहरली अनाज मंडी के आप इकट्ठे होना लगभग 4 to 4:30 के टाइम। विजिलेंस विभाग दे वल्लों कल वख-वख थावां ते वख-वख शहरां दे विच छापेमारी कीती गई ते विजिलेंस दे छापियां दे नाल ट्रांसपोर्ट विभाग विचले घोटाले दीआं कई परतां कहिंदे खुल्लियां ने। टीमां ने बेनियमियां दी जांच लई 7 RTA दफ्तरां दी अचनचेत चैकिंग कीती सी, जिस दरम्यान वड्डा खुलासा होया बेनियमियां दा भ्रिष्टाचार दा। विजिलेंस दे सूत्र दसदे ने कि इन्हां बेनियमियां दे विच जिला ते डिवीजन पद्धर ते अफसरां दी सिद्धी ते असिद्धी भूमिका सामने आ रही है।
विजिलेंस अधिकारियों मुताबिक एक जिले के RTA दफ्तर में छापियां तो बाद जो सारा मामला घोखिया गया तो तत् सामने आए कि मोटर व्हीकल इंस्पैक्टर वालों वाहनों बिना जांचया ही फिटनेस सर्टिफिकेट जारी किए गए। यही नहीं, स्कूली बच्चों ढोने वाले वाहनों भी बिना परख्या ही सर्टिफिकेट जारी किए जा रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि हो सकता है कि अजिहा इंस्पैक्टर ते होर अमले की कमी कारण होवे, पर जिस तरह ट्रांसपोर्ट विभाग के दफ्तर विच एजेंटा का बोलबाला है ते जलंधर के एक एजेंट के कोलों 12 लाख रुपये तो वध की राशि बरामद हुई है, उस तो स्पष्ट हुंदा है कि वाहनों के फिटनेस सर्टिफिकेट पैसे लैके जारी किए जा रहे हैं। विजिलेंस ब्यूरो दी टीमां ने कल सूबे के 7 जिलों अमृतसर, गुरदासपुर, फिरोजपुर, फरीदकोट, मानसा, जलंधर ते हुशियारपुर के MVI दफ्तर अचानक चैकिंग की गई तो शक्की रिकॉर्ड नूं जब्त भी किया गया है। इस संबंध में अफसर के एजेंटा खिलाफ पटियाला, जलंधर से होरना थावां ते केस भी दर्ज कर ले गए ने। दरअसल ट्रांसपोर्ट विभाग के नियमों के मुताबिक सारे व्यापारिक वाहनों सड़कों से चलने लिए RTA दफ्तर तो फिटनेस सर्टिफिकेट लेना पैंदा है ते जिहे सारे वाहनों का दस्तावेजा समेत MVI वालों संबंधित दफ्तर दे विच खुद निरीक्षण करना जरूरी हुंदा है। पर पड़ताल दे विच देखा गया कि MVI तो महज दस्तखत की ही करता है, प्रैक्टिकली कुछ भी जांचया नहीं जाता। वख-वख जिलों के अधिकारी एजेंटा के विचोलियां की मिलीभुगत के वाहनों के मॉडल के आधार पर प्रति वाहन भारी रिश्वत के बदले वाहनों की फिजिकल वेरीफिकेशन किए बिना ही सर्टिफिकेट जारी कर रहे हैं। इसी तरह कुछ RTAs और MVIs के वालों खुद निरीक्षण किए बिना सिर्फ दस्तावेजों के आधार पर ही फिजिकल जांच करके वाहनों को पास किया जा रहा है, जिन्हों मौके पर निरीक्षण लिए निर्धारित थान पर लियाना जरूरी होंगे। विजिलेंस मुताबिक सूबा पदरी निरीक्षणा की अगलेरी जांच जारी है, जे कोई भी दोषी पाया गया तो कानून मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। DTO ते RTA पद्धर ते अफसरां नूं पुछगिछ दे लई भी बुलाया जा सकता है। जे लुधियाणा दे दाणा मंडी ट्रांसपोर्टेशन टेंडर घोटाले की गल कर लईए तो विजिलेंस दे रडार ते हुण लुधियाणा दा इनवेस्टर भी आ गया है। गिरफ्तार किए गए कांग्रेस के सबका मंत्री भारत भूषण आशू के नाल हुण उन्हां दे नज़दीकियां दीआं मुश्किलां भी वधन लगियां ने। सबका मंत्री दे PA मीनू पंकज मलहोत्रा नूं विजिलेंस ने पहला ही नामजद कर लिया, पर हाले तक इफरार है। हुण शहर का एक वड्डा इनवेस्टर भी विजिलेंस दे रडार ते है, जो आशू का काफ़ी करीबी सी। विजिलेंस के SSP रविंदर पाल सिंह संधू मुताबिक निवेशकों राही सबका मंत्री आशू का पैसा बाहर निवेश होया। विजिलेंस ने एक सूची तैयार की है, जिस तो बाद निवेशकों तो पुछ पड़ताल की जाएगी, जेकर उन्होंने कोई शमूलियत सामने आई तो उन्होंने खिलाफ़ भी कार्रवाई होएगी। विजिलेंस को जानकारी मिली है कि भारत भूषण आशू ने करोड़ों रुपये कई थावां ते निवेश किए ने ते इन्वेस्टरों के जरिए ही करोड़ों रुपये बाजार दे विच लाए गए। शहर का एक अजिहा निवेशक है जिसने करोड़ों रुपये निवेश किए ने ते विजिलेंस ने उन्होंने सारे व्यक्तियों के फोन कॉलों की सूची भी मंगवा ली है, जिहड़े आशू के नेड़ले सन। भारत भूषण आशू इस वक्त पुलिस के रिमांड से है ते रिमांड तो बाद कई कांग्रसी लीडर उन्होंने मिलन गए सी, पर सिर्फ ते सिर्फ भरा नरेंद्र शर्मा नूं ही मिलन की आग्या दित्ती गई। 17 अगस्त तक कोई भी आशू नूं नहीं मिल सकता। इस दरमियान कांग्रसियों ने लुधियाणा दे विच विजिलेंस दफ्तर के बाहर पक्का मोर्चा भी ला रखिया। कांग्रेस प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग की अगवाई दे विच सारे वड्डे छोटे लीडर ने जिहड़े टेंट ला के ते कुर्सियां डाह के दफ्तर के बाहर डट गए ने। पता लग्या कि भारत भूषण आशू विजिलेंस की टीम के नाल सहयोग नहीं कर रहे, पुछ पड़ताल दे विच सारे सवालों का उस तरीके दे नाल जवाब नहीं दे रहे जिस तरीके दे नाल देना चाहिए। कुछ सवालों के जवाब तो कहते सबका मंत्री ने दे दिते, पर कुछ गोल मोल कर दिते। सबका मंत्री आशू के PA बारे एक जानकारी मिली है, मीनू पंकज मलहोत्रा, जिहड़ा कि इस वक्त भावें फरार है पर सरकारी डिपू ते करियाने की दुकान चलाउंदा हुंदा सी, पर अज ये PA करोड़ों का मालक है। तो सवाल तो जाहिर तौर पर सारे के मन में उठूगा कि कुछ समय के ही करियाने की दुकान चला वाला मीनू शहर के पौश इलाके प्रॉपर्टियां का मालिक आखिरकार किवें बन गया। लुधियाना तो एक होर खबर भी है, जिथे बादलों के करीबी गुरमेल मैडिकल वाले से आमदन कर ने कल छापेमारी की। आमदन कर विभाग की टीम ने दवाई कारोबारी के गोदामा घर से छापेमारी की। छापे में बोगस बिलिंग आदि चैक किए गए, अधिकारी उन कुछ भी दस तैयार नहीं हैं हाले तक। पर सबका मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के नज़दीकी गुरमेल मैडिकल वालों से जी छापेमारी हुई है वह चर्चा का विषय जरूर बनी हुई है। तो पंजाब दे विच जिन्नी हुण विजिलेंस सरगर्म दिखाई दे रही है शायद होर कोई विभाग नहीं है। इस तरह संगरूर दे थाना लौंगोवाल दे विच तैनात पुलिस सब इंस्पैक्टर राम सिंह नूं कल 5,000 रुपये की रिश्वत लैंदिया विजिलेंस ने रंगे हथीं गिरफ्तार किया है। विजिलेंस ने दस्सिया कि मुलजम सब इंस्पैक्टर नूं लौंगोवाल दे रहण वाले हरविंदर कुमार की शिकायत ते गिरफ्तार किया गया है।
पटियाला दे विच पावरकॉम दे दफ्तर दे सामने अपनी मंगां दी पूर्ति लई बैठे धरनाकारियां ने मंगलवार रात नूं लाठीचार्ज करके हटाए जाण तों बाद मुड़ दफ्तर दे गेट मूहरे अपने तंबू गढ़ के पक्का मोर्चा विढ दित्ता है। दरअसल मंगलवार शाम नूं इन्हां ने दफ्तर दे अंदर दाखल होण दा यतन कीता सी, जिस तों बाद पुलिस ने इन्हां ते लाठीचार्ज करदिआं इन्हां नूं खदेड़ दित्ता सी। लाठीचार्ज दे विच कई नौजवान भी फट्टड़ होए सन, तिन्न दीआं तां हड्डियां टुट गईआं सन। पुलिस ने इन्हां दे टेंट भी पुट के सुट दिते सी, पर इह फेर आ के डट गए ने। इन्हां अपरेंटिस वर्करां ने दस्सिया कि आप सरकार दे वल्लों लाइनमैनां ते सहायक लाइनमैनां दी भर्ती लई कढ़ियां पोस्टां वास्ते टैस्ट दी शर्त रखी गई है, जबकि पहलां जिही भर्ती सिर्फ अपरेंटिसशिप दौरान बनी मैरिट दे आधार ते ही कीती जांदी रही है। इस करके यूनियन टैस्ट दी शर्त दा विरोध कर रही है। इस दे नाल ही सरकार तों उम्र हद पार कर चुके बेरोजगार नौजवानां दे लई छोट देण ते पोस्टां दी गिणती 1690 तों वधा के 3500 करन दी मंग वी इन्हां वल्लों कीती जा रही है। ते इन्हां ने ऐलान कर दित्ता कि जो तक मंगां दी पूर्ती नहीं हुंदी उह इत्थे डटे ही रहणगे। उधर संगरूर दे विच मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान दी कोठी दे बाहर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे लापता होए 328 पावन सरूपां दे मामले दे विच कारवाई दी मंग नूं लै के सिख संगत दा धरना लगातार जारी है। इस तरह मोहाली दे विच वेरका मिल्क प्लांट दे बाहर किसानां ते पशु पालकां दा जिहड़ा धरना लग्गिया होया उह वी लगातार चल रहा है। इस तरह संगरूर दे विच पंजाब सरकार वल्लों लियांदी माइनिंग पॉलिसी दे खिलाफ ठेकेदारां ने मुख्यमंत्री भगवंत मान दी कोठी दे मूहरे धरना दित्ता ते नवीं माइनिंग पॉलिसी नूं ठेकेदारां नूं आर्थिक तौर ते बर्बाद करन वाली करार दित्ता। इन्हां ने कहा कि CSR दे रेट वधाउण लई कमेटी बनाई जावे, जिस दे विच एसोसीएशन दा मैंबर भी शामिल किया जाए। इस संबंधी उन्होंने मुख्यमंत्री दे नां नायब तहसीलदार नूं मंग पत्र सौंपिया है, समस्यावां दा छेती हल करन दी अपील कीती है। चक्की दरिया के सड़की पुल से आवाजाई मुड़ चालू हो गई है। कौमी मार्ग से पंजाब हिमाचल प्रदेश में जोड़ता चक्की दरिया इस पर बनिया सड़की मार्ग वाला पुल है, जो वड्डे वाहनों के लिए मुड़ खोल दिता गया है। पुल नूं खोलण का फैसला नैशनल हाईवे अथॉरिटी के अधिकारियों की जांच टीम वालों पुल के किए निरीक्षण तो बाद लिया गया है। 20 अगस्त को भारी मीह कारण चक्की दरिया से बना रेलवे पुल रुड़ गया सी। उसके नाल बने सड़की मार्ग वाले पुल के एक पिलर की नींह भी खतरे में आ गई सी, जिस तों बाद 21 तरीक नूं पुल ते आवाजाई ते पाबंदी ला दित्ती गई सी, पर हुण मुड़ तों इस नूं चालू कर दिता गया। पुल के निरीक्षण दरमियान सड़की आवाजाई दे लई पुल सुरक्षित पाया गया, इस करके ट्रैफिक नूं मुड़ तों खोलिया गया है। जबकि रेलवे की जिहड़ी बंद की गई आवाजाई उह कदों खुलेगी, किन्ने समय बाद खुलेगी, इसका किसी नूं कोई अंदाजा नहीं है। दोवां सूबयां दे दरमियान एक वड्डा जिहड़ा साधन सी कम्युनिकेशन दा आउण जाण दा उह बिल्कुल बंद हो चुक्या है। नजायज़ माइनिंग दे करके इस पुल नूं खोरा लग्गिया है। पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला दी डॉक्टर गंडा सिंह रेफरेंस लाइब्रेरी दे विच धार्मिक पुस्तकां पोथियां ते खरड़ियां दी हुई बेअदबी संबंधी सैकुलर यूथ फैडरेशन ऑफ इंडिया सैफी दे वल्लों प्रधान यादविंदर सिंह यादू दी अगवाई हेठ VC दफ्तर दे मूहरे धरना लाया गया, जिहड़ा कि तीसरे दिन वी लगातार जारी रहा, अज चौथे दिन विच पहुंच जाऊगा। सैफी की बेनती से श्रोमणी कमेटी वालों गठित की गई 3 मैंबरी कमेटी भी कल धरने में पहुंची, विद्यार्थियों के नाल मुलाकात की, लाइब्रेरी विचले घटना स्थान का दौरा भी किया। इस दौरान यूनिवर्सिटी के अधिकारी भी उन्होंने नाल रहे। विद्यार्थियों का आरोसा है कि इस तो पहला 2015 भी अजिहियां पुस्तकों अपमानजनक ढंग नाल रद्दी के रूप से ट्रक च लद के बेअदबी की गई सी। उदों भी सैफी ने दखल दिंदिया धार्मिक पुस्तकां लाइब्रेरी के विच मुड़ तो रखवाइयां सी। हुण भी उन्होंने ऐलान किया कि जदों तक मुलजमान खिलाफ़ कार्रवाई नहीं होगी, यह धरना लगातार जारी रहेगा।